दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद, जनरल फिजिशियन। दोस्तों आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या क्या भयंकर नुकसान हो सकते हैं जो शायद आप नहीं जानते हैं, और आप जानोगे तो आपके पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कोल्ड ड्रिंक्स पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आप लोग मेरे वीडियो के एंड तक बने रहेंगे तभी सारी बातें आप लोग समझ पाएंगे। दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर प्रहलाद प्रसाद। दोस्तों जैसे आप लोग देखते हो कि लोहा गर्म हो और उस पर यदि ठंडा पानी डाला जाए तो क्या प्रतिक्रिया होगा, कैसी आवाज़ आती है, क्या प्रतिक्रिया होता है आप देखते हो। ठीक वैसे ही प्रतिक्रिया हमारा हार्ट करता है। यदि हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, अंदर का ब्लड खोल रहा होता है, खून खोल रहा होता है, यदि वो काफ़ी कोल्ड होता है, काफ़ी ठंडा होता है, जब लीवर में पहुंचता है तो उसका असर डायरेक्ट हार्ट पर जाता है और हार्ट को गंभीर नुकसान पहुंचता है, फलता में हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। इसमें ख़तरनाक केमिकल्स मिले होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इसमें न्यूनतम मात्रा में पॉइजन का इस्तेमाल किया जाता है, अतः यह पीने से हमारे शरीर में टॉक्सिन की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है, लीवर सोरेसिस हो सकता है। ऐसा भी दिखाया जाता है बहुत सारे लोग इसको पीने के बाद अपने आप को हैप्पी खुशी महसूस करते हैं, अतः उन्हें आदत पड़ जाती है बार बार कोल्ड ड्रिंक्स पीने की, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं। इसमें कैफीन की मात्रा भी पाई जाती है जो आपको खुशी प्रदान करती है, फलता आदमी इसका आदि बन जाता है, बार बार पीता है, लेकिन रियल में इसको पीने से आपके शरीर में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, आप अदर आदमी पीछे आप कमज़ोर हो सकते हो, आपकी हड्डियाँ नरम पड़ सकती है, आपको क्षय रोग तक हो सकता है, मानसिक विकार तक हो सकता है, डिमेंशिया तक हो सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स एक तरह से धीमा जहर है हमारे हेल्थ के लिए। कोल्ड ड्रिंक्स एक तरह से धीमा जहर काम करता है, इंसान को धीरे धीरे मारती है जो महसूस नहीं करते। एक करीब करीब 350 वाली कोल्ड ड्रिंक्स में कम से कम 20 से 25 ग्राम इसके अंदर शुगर होता है। हमें मीठा महसूस नहीं होता क्योंकि इसमें ऐसे केमिकल डाले जाते हैं जो शुगर की स्वाद को काट देता है, हमें मामूली शुगर महसूस होता है, लेकिन शुगर इसमें वास्तव में बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है। इसको पीने के बाद शरीर को ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन बनाना पड़ता है, अतः इसके पैनक्रियाज पे बुरा असर पड़ता है, शुगर का आपका लेवल बढ़ सकता है, शुगर के मरीजों के लिए काफ़ी नुकसानदेह, उनका शुगर और ज़्यादा बढ़ सकता है, समझ गया ना। किडनी पर इफेक्ट डालता है, हमें किडनी रोग भी हो सकता है, मूत्र रोग UTI भी हो सकता है। दूसरे नंबर, यह इंसान को बाद में ड्राई महसूस करता है। आप देखना है इसको पीने के बाद लगता है आपको कि फौरन प्यास तो बुझ गया, लेकिन कुछ देर के बाद देखना आपको लगता है फिर गला ड्राई हो गया, गला ड्राई मतलब गला सूख गया, आपको फिर और पानी पीने का मन करता है, फलता फिर और आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, फिर सही होता है, फिर आप और कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, यानी पीने का आपको आदि बनाया जाता है। और इससे क्या होता है, आपके शरीर में डिहाइड्रेशन की शिकायत आती है, फलता समय से पहले आप बूढ़ा हो सकते हो, आपको बुढ़ापा जल्दी आ सकता है। तो दोस्तों ये सब कोल्ड ड्रिंक्स के मेन साइड इफ़ेक्ट है, मेन नुकसान है। तो मैं कहूँगा कि आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स के बदले आप लोग फ्रूट जूस पिए, अदर कोई जूस पिए ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए तो अच्छा है। यदि आप लोगों को मेरा सलाह और वीडियो अच्छा लगा तो अपने चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।